इसके और वाला पार्ट देखिए, हमारे पास x की पावर 1 बाई थ्री, y की पावर 1 बाई थ्री इज इक्वल टू 1 दे रखा है और हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है एट 1/8, 1/8। आप ध्यान से देखें तो ये फर्स्ट जो है वो एक इम्प्लिसिट फंक्शन है आपका। तो यहां पर आप सीधा डिफरेंशिएशन कर दें, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे आ जाएगा x की पावर 1/3 यहां आ गया और इसमें से पावर एक कम हो जाएगी तो -2/3, यहां पर पावर 1/3, y की पावर -2/3, dy/dx इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले आओ, यहां हो गया 1/3 y की पावर 2/3 और ये हो गया माइनस का 1/3 x की पावर 2/3 और यहां पर dy/dx है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये इधर चला जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू y की पावर 2/3 -x की पावर 2/3। तो यहां आ गया 1/8 की पावर 2/3 और यहां पर आ गया 1/8 की पावर 2/3, कैंसिल हो गया तो dy/dx यहां पे आ गया -1। ये यहां पर एक इंप्लिसिट फंक्शन नहीं है क्योंकि इंप्लिसिट फंक्शन वो होता है जहां पर x y को अलग ना किया जा सके, बट अगर हम चाहें तो y को यहां पे अलग कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट अ इंप्लिसिट फंक्शन, बट डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे, बाकी को एक तरफ रखेंगे, तो हमें यहां पर इसका आंसर मिल जाएगा।